हेलो एवरीवन, तो कैसे आप सभी? आई होप आप सभी स्टूडेंट ठीक होंगे। तो मैं विवेक आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार कॉलेज अपडेट्स में। तो देखिए, कई सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो मेडिकल परीक्षाओं में, मतलब जिन्होंने परीक्षा दी थी नीट की, और मेडिकल कॉलेजेस में जो एडमिशन लेने वाले थे यूजी में, एमबीबीएस वगैरह कोर्सेज में। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि इस मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी ढकेला गया और कहा गया कि रिजल्ट को पेंडिंग कर देना चाहिए। बस सुप्रीम कोर्ट की हरी झंडी मिलने के बाद फाइनली नीट की यूजी के जो रिजल्ट है, पेंडिंग रिजल्ट है, जो परीक्षा आपकी हुई थी उनके रिजल्ट डिक्लेयर कर दिए गए। जी हाँ, नीट यूजी रिजल्ट 2021 हैज़ बीन डिक्लेयर। आप नीट की साइट पे जाके अपना रिजल्ट चेक कर सकते हो, अपनी जो भी डिटेल है एडमिट कार्ड की डाल के। तो ब्रेकिंग न्यूज है, और ये वीडियो मैंने इसलिए शेयर की क्योंकि कई सारे हमारे स्टूडेंट जो मेडिकल लाइन में भी आते हैं और जिन्होंने नीट यानी नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट जिन्होंने दिया था, जो मेडिकल एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़रूरी होता है, अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हो या डी फार्मा वी फार्मा जो भी आप करना चाहते हो, तो नीट तो आपको देना ही पड़ेगा गवर्नमेंट कॉलेज में, अगर आपको अपना सीट पक्की करनी है। क्योंकि आप सभी को पता होगा डॉक्टर की सीट्स काफ़ी कम होती है, और हमने सोच रखा है कि कॉलेज अपडेट्स अब जितने भी साइंस वाले स्टूडेंट रहेंगे उनको भी कवर अप करेगा, और साइंस की कुछ प्रैक्टिकल क्लासेस भी हम इस पर चलाएंगे। बट अभी तो आप अपडेट ही ले लीजिए, नीट यूजी के जो रिजल्ट है पेंडिंग वो डिक्लेयर कर दिए गए हैं सुप्रीम कोर्ट की हरी झंडी के मिलने के बाद। तो ये अपडेट था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।